सुंदर राजस्थान में, जहाँ हनुमान जी की बहुत ही सुंदर दर्शन, सुंदर झांकी हम लोग कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि लोग घंटे बजाकर ही अंदर जा रहे हैं, तो ये देखिए और बहुत सुंदर रूप हनुमान जी का, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि पांडव यहाँ पर अपने अज्ञातवास को काटने के लिए आए थे। ऐसी एक कृतज्ञ है इसका धाम से, आराम से। देखो मैं अभी आपको दर्शन कराती हूँ, देखिए आप ये देखिए। परिक्रमा मार्ग में जहाँ लोग परिक्रमा लगाते हैं, और जैसा कि देखिए यहाँ लोगों की सामने से दर्शन कराती हूँ। पुजारी जी हैं, मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि बाबा की महिमा का थोड़ा सा बता दें, बताइए जी। सर यहाँ पांडव अज्ञातवास के टाइम में आए थे जी, 13 साल का उन्हें वनवास था और 1 साल का अज्ञातवास था। तो अज्ञातवास से पांडव वैराट नगर और यहाँ इसी जंगल में रहे हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे पोल नाम की जगह है, वहाँ जाकर के भीम ने अपने गदा से पहाड़ को तोड़ा था। पहाड़ तोड़ने पर रास्ता निकाला भीम ने, रास्ता निकालने पर भीम को अभिमान हो गया कि मेरे समान कोई बलधारी नहीं है। तो श्री हनुमान जी महाराज ने सोचा क्यों ना भीम का अभिमान तोड़ा जाए। तो इस जगह पर जो ये लेटी हुई मूर्ति आप देख रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज की, इसी जगह पर श्री हनुमान जी महाराज वानर का रूप रख करके और लेट गए, अपनी पूछ को रास्ते में फैला करते। भीम ने रास्ता मांगा कि वानर पूछ कटार मुझे जाने के लिए रास्ता दे। हनुमान जी बोले कि भैया मैं तो बुढ़ा हूँ, ऐसा कर मेरी पूछ की तरफ रख और चला जी जी। तो भीम पूछ उठाने लगा तो भीम से पूछ नहीं उठ पाई थी। तो भीम ने प्रार्थना की महाराज आप कौन है, हमें सही रूप में दर्शन दो। तो हनुमान जी महाराज ने यहाँ दर्शन दिए, तब से लेटी हुई मूर्ति स्वयं प्रकट है पांडव का। अब मंगल और शनिवार यहाँ मेला लगता है? मेला नहीं लगता, यात्री आते हैं खाली, ओनली हफ्ते में 2 डे मिलते हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन जो यात्री यहाँ आते हैं उन्हें बाबा का भरपूर आशीर्वाद और दर्शन मिलते हैं, और सभी वो धन्य हो जाते हैं दर्शन करके। तो मैं अब यही कहना चाहूँगी, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और अपने चैनल के माध्यम से और सभी लोगों से कहूँगी कि एक बार ज़रूर कहीं से भी, पूरे भारत से कहीं से भी आप हैं, एक बार ज़रूर से पांडुपोल हनुमान जी के दर्शन करने आएँ और अलवर पधारें। जय श्री राम। आप जयपुर से आए हैं, आपका शुभ नाम भाई साहब? मुकेश पांचाल एडवोकेट। अच्छा, देखो एडवोकेट जी हैं। दर्शन करके बहुत अच्छा लगा जी, और इतनी भीड़ को देखते हुए इतनी श्रद्धा भाव से जो पांडुपुर महाराज के आज दर्शन हुए बड़े प्यार से, और इतनी भीड़ को देख करके इतना अच्छा लग रहा है जैसे माहौल कोरोना का कुछ है ही नहीं। अब कोरोना काल के बाद पहली बार शायद आप लोग आ रहे हैं? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो वही है ना, कोरोना काल के बाद सब लोग पहली बार आ रहे हैं, और बाबा का आशीर्वाद पाकर सभी धन्य हो रहे हैं, निहाल हो रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे हनुमान बाबा की महिमा है, और इसी तरह मेरे बाबा का ध्वज लहराता रहे,
और हम सब उनकी जय जयकार करते रहे। तो जय श्री राम। जय श्री राम। भैया आप कहाँ से आए हो? मथुरा से आए। अच्छा मथुरा से आए हो, आप हमेशा आते हो या पहली बार आए हो? मैं कई बार, 4-5 बार आ चुका हूँ। अच्छा, मंगल और शनिवार की मान्यता है कहते हैं यहाँ पर? मंगल शनिवार को आते हैं और मैं तो से 15 साल से लगातार आ रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा अच्छा, आपका नाम भी बता दीजिए। नाम रोहतास कुमार पांचाल। अच्छा, शेरगढ़ मथुरा। अच्छा, तो आप ये बताइए कि यहाँ की मान्यता, जैसा कि मुझे जो पता है कि पांडु पुत्र जो थे उन्होंने अपना अज्ञातवास यहाँ पर काटा था जी, है ना, और भीम को अपनी शक्ति का अभिमान हुआ तो उन्होंने चूर किया। हाँ, तो इसलिए आप बताइए कि मतलब आप क्यों आते हैं या आपकी कौन सी मान्यताएं पूरी होती हैं? मन्नत नहीं, दर्शन करने आ जाते हैं यहाँ पर हमारा। अच्छा, जब करती है सर्दियों में आते हैं अक्सर। अच्छा, सर्दियों में अक्सर आते हो आप, कोई मन्नत लेकर आते हो? मन्नत तो इनको सब मालूम है, ऊपर वाले। अच्छा, हम क्या मांगेंगे उनको सब जानकारी। अच्छा, तो वो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं? सब कुछ दे देते हैं अगर सच्चे देव हैं तो। आप सह परिवार आते हैं, अकेले आते हैं? हाँ, बात तो फैमिली आए, हमारी 4 गाड़ी है। अच्छा, 4 गाड़ी है। मेरे मित्र हैं। आपका नाम भी बता दीजिए। डॉक्टर दारा सिंह। डॉक्टर दारा सिंह, देखिए डॉक्टर दारा सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं और ये भी यही पांडुपोल धाम में ही है और ये भी हमेशा आते हैं। तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अखंड भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट।